फिश फ्राई। आज की रेसिपी में बनाते हैं कतला मछली का फिश फ्राई, जो बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आधा केजी के लगभग मैंने यहाँ पे कतला मछली लिया है। इसको बहुत अच्छे से धोकर आधा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, स्वादानुसार नमक और एक चम्मच गरम तेल, इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ की सहायता से डाल के बहुत अच्छे से इसे मिक्स करें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आधा घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा बाद कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद इसे डालकर हम लोग फ्राई कर लेंगे। आधा घंटा हो चुके हैं, अब हम लोग तेल गरम कर लेते हैं। एक बार में जितना कढ़ाई में स्पेस हो उतना ही डालें। एक बार में मैं 4 पीस डाल रही हूँ। इसे डालकर हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। आँच को मीडियम रखें, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा रखें। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो जल जाएगा, लेकिन वो अच्छा से फ्राई नहीं होगा, इसलिए मीडियम आँच पे आँच को किए रहें। थोड़ी देर के बाद 1 से 1.5 मिनट के बाद इसे हम लोग पलट देंगे। पलटने के बाद फिर दूसरे साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। पकाने के बाद थोड़ा सा क्रंची करेंगे उसके लिए थोड़ा सा आँच को तेज करके उसे थोड़ा सा 30 से 32 सेकेंड तक उलट पलट करते हुए पका लेंगे, तो वो बहुत अच्छा पक कर रेडी हो जाएगा, क्रंची भी हो जाएगा और पक भी जाएगा बहुत अच्छे से। ये देखिए 2 मिनट 2.5 मिनट लगभग हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। ये फ्राई हो गया है, अब हम लोग इसे सर्व करते हैं। देखिए ये पूरी तरह की इसे पक गया है। देखिए खाने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है।